हेलो गाइस, आज का हम टॉपिक है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, और ये जो है मेमरी ग्लैंड की पार्ट टू वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने इसका पूरा स्ट्रक्चर और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बताया था। देन इसके इस पार्ट में अपन बता रहे हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो ब्रेस्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कार्सिनोमा है वन लिम्फ नोड से अनादर लिम्फ नोड पे जो है स्प्रेड करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं लिम्फ नोड पे। तो कुल मिला के 3 लिम्फ नोड से जो है ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। सबसे पहले रहता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। अब जो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ये एक्सिला की रीजन के अंदर रहेगा, ये जो है ये एक्सिला है। अब एक्सिला मैंने आपको बताया था एक्सिला की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आई बटन पे है, वो भी पहले देख लीजिए। ये जो है एक्सिला है। एक्सिला में क्या रहता है, एक पिरामिडल शेप रहता है जिसकी एक इंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है, एक मीडियल वॉल होती है और एक लेटरल वॉल होती है। और ये जो पिरामिडल शेप जो है इन सच्चे वे में रहता है कि इसका एपेक्स जो है ये मीडियल साइड पर माने तो मीडियल अपवर्ड रहता है। और ये जो है ये इसका ही एक मॉडल है 2D में और ये 3D में। तो ये है एक्सिला। तो यहाँ पे एक्सिला में 3 लिम्फ नोड्स के रहते हैं, एक एंटेरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एक एपिकल। तो मैं आपको इससे बताऊं, तो एंटेरियर वॉल है, तो एंटेरियर वॉल में कौन सा लिम्फ नोड है, यह है एंटेरियर लिम्फ नोड। और यह है पोस्टीरियर साइड वॉल पे पोस्टीरियर लिम्फ नोड, और ये लेटरल वॉल पे है लेटरल लिम्फ नोड। देन सेंट्रल लिम्फ नोड जो है इसके बीच में होता है, तो इसके बीच में बता नहीं सकता, तो मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया। ये है सेंट्रल लिम्फ नोड और एक एपेक्स पे है एपिकल लिम्फ नोड। अब ये जो लिम्फ नोड है ये एंटेरियर लिम्फ नोड जो है ये पोस्टीरियर लिम्फ नोड जो है और ये लेटरल लिम्फ नोड जो है लेटरल वॉल पे, ये सारे लिम्फ नोड किस में ड्रेन करेंगे, आपको करेंगे सेंट्रल लिम्फ नोड पे। देन ये सेंट्रल लिम्फ नोड आपका ड्रेन करेगा एपिकल लिम्फ नोड में। अगर हम 2D डायग्राम से भी समझे तो इन तीनों ने एंटेरियर, पोस्टेरियर, लेटरल, ये तीनों किसको ड्रेन कर रहे हैं आपके सेंट्रल वाले पे, ये सेंट्रल वाले पे ड्रेन कर दिए। देन सेंट्रल किस में ड्रेन कर रहा है, एपिकल लिम्फ नोड पे। देन एपिकल लिम्फ नोड ड्रेन सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड पे। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लेविकल बोन है, अब क्लेविकल बोन के ऊपर कुछ लिम्फ नोड दिख रहे हैं, यही लिम्फ नोड है आपके सुपरा क्लेविकुलर। सुपरा मतलब ऊपर, क्लेविकल के ऊपर, तो कौन से लिम्फ नोड है, सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। देन ये जो है सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है ये अल्टीमेटली वेन में जाके ड्रेन हो जाते हैं। अभी अपन राइट साइड का देख रहे हैं, तो ये कौन सी वेन है, राइट ब्रेक्योसेफेलिक वेन। तो ये राइट ब्रेक्योसेफेलिक वेन में जाके आपका ड्रेन हो जाते हैं। देन फिर अपन आते हैं इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, जो कि आपका 20% जो लिम्फ जो है ब्रेस्ट का वो कौन ड्रेन कर रहे हैं, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, जिसको अपन पैरास्टर्नल भी बोलते हैं। अगर आप इस डायग्राम से समझें तो ये स्टर्नम बोन है, तो स्टर्नम बोन के लेटरल साइड में आपको लिम्फ नोड दिख रहे होंगे, इसको अपन बोल देते हैं पैरा स्टर्नल लिम्फ नोड। अब ये पैरा स्टर्नल लिम्फ नोड जो है ये मीडियल हाफ से भी कैरी करता है लिम्फ और लेटरल हाफ से भी ये कैरी करता है लिम्फ। देन जो 5% जो है बचा हुआ लिम्फ, कभी कभी वो दूसरे लिम्फ नोड में भी आपका ड्रेन कर जाता है, वो सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में ड्रेन कर देगा लिम्फ, डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड में कर सकता है, पोस्टेरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में भी ड्रेन कर सकता है, देन सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फेटिक प्लेक्सेस में भी ये ड्रेन कर देता है। देन अपन इसके देखते हैं लिम्फेटिक वेसल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सुपरफिशियल लिम्फ। अब सुपरफिशियल लिम्फ जो है अगर अपन इस डायग्राम से समझें तो पूरा इसका है ब्रेस्ट का स्किन वाला एरिया, तेरे निप्पल और ये एरियोला। तो सुपरफिशियल लिम्फ जो होता है ये पूरे स्किन से लिम्फेटिक ड्रेनेज कर लेता है, लेकिन निप्पल एंड एरियोला से नहीं करता। वहीं डीप वाला पार्ट जो है इसकी पैरेन्काइमा वाले पार्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है, और ये आपका निप्पल से भी करेगा। यहाँ पे ये लिखा है कि सुपरफिशियल लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है स्किन से, लेकिन इसमें निप्पल एंड एरियोला से वो ड्रेन नहीं करेगा। देन जो डीप लिम्फेटिक्स है ये ड्रेन करता है पैरेन्काइमा से और निप्पल से और एरियोला से। देन फिर अपने देखा था एक्सिलरी लिम्फ नोड में एंटेरियर एंड पोस्टेरियर किसको दे रहा है, सेंट्रल और लेटरल को। देन सेंट्रल वाला आपका दे रहा है एपिकल ग्रुप को। देन एपिकल ग्रुप किसको दे रहा था, सुपरा क्लेविकुलर नोड को, और सुपरा क्लेविकुलर अल्टीमेटली किसको देता है, सब क्लेवियन लिम्फेटिक ट्रंक को। ये ट्रंक फिर आपका वेन में ड्रेन हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रेक्योसेफेलिक वेन में, और वेन से होते हुए ये वापस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है लिम्फ आ जाता है। देन अपन देखते हैं इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ये आपका लिम्फ ड्रेन करता है नॉट ओनली फ्रॉम द इनर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बट फ्रॉम द आउटर हाफ ऑल्सो।
इधर से भी करेगा, इनर हाफ से, देन आउटर हाफ से भी ये पूरा ड्रेन करेगा। फिर अपन देखते हैं ये जो एरियोला है उसके पीछे एक लिम्फ का प्लेक्सिस दिख रहा है, उसका हम बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। अगर हो सकता है इसका मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। तो सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी जो कि आपका ड्रेन कर देता है किसमें, एंटेरियर लिम्फ नोड में। और ये एंटेरियर लिम्फ नोड ये पूरा अल्टीमेटली ड्रेन करते करते कहाँ पर चले जाएगा, वापस वेन में। देन अपन देखते हैं डीप लिम्फेटिक्स, जो डीप लिम्फेटिक्स जो होते हैं ये आपका पेक्टोरालिस मेजर मसल को पास करेगा, देन क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को करेगा, देन अल्टीमेटली किसमें ड्रेन कर देगा, एपिकल लिम्फ नोड में। और एपिकल लिम्फ नोड से फिर से होते हुए कहाँ चला जाता है आपका, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। तो ये पूरा का पूरा जो है अपन ने लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लिया ब्रेस्ट का। उसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है तो बेसिकली शॉर्ट नोट में ही आता है, तो जैसा मैंने आपको कंटेंट बताया है उसी में आपको लिखना है। सबसे पहले डायरेक्ट अपन इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि इसकी बहुत ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि ये जो है कैंस कार्सिनोमा स्प्रेड करता है। देन इसके सारे लिम्फ नोड लिख देना कि 75% लिम्फ कौन कर रहा है, एक्सटर्नल लिम्फ नोड जो है इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल सेंट्रल एपिकल। देन 20% लिम्फ कौन ड्रेन कर रहा है, इंटीरियर मेमोरी लिम्फ नोड। 5% जो है कभी कभी सब क्लेविकुलर डेल्टो पेक्टोरल पोस्टीरियर इंट्रोकोस्टल सब डायफ्रामेटिक सब पेरिटोनल लिम्फ में भी चला जाता है। देन फिर उसके लिखना है लिम्फेटिक वेसल्स, तो लिम्फेटिक वेसल्स को जो है इसी सीक्वेंस में लिखना कि सुपरफिशियल, फिर डीप, फिर एक्सिलरी के बारे में लिख देना, फिर उसके बाद इंटरनल मेमोरी के बारे में लिख देना। देन इसके एरियोला के पीछे प्लेक्सिस होता है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और इसकी ये जो है ये कीवर्ड है। अगर तुम कीवर्ड लिख के आते हो तो एग्जामिनर जो है ज़्यादा खुश होता है कि बंदे ने डीपली पढ़ा है, इसलिए कीवर्ड तो लिख के आया ही करो। तो ये लिख देना कि जो प्लेक्सिस जो है लिम्फेटिक वेसल के डीप एरियोला में प्लेक्सिस होता है उसको हम बोल देते हैं सब एरियोला प्लेक्सिस ऑफ सेपी। फिर एंडिंग में लास्ट पॉइंट इसमें लिखना डीप लिम्फेटिक ब्रेस्ट जो है वो पास करता है आपका पेक्टोरालिस मेजर मसल क्लेवी पेक्टोरल फेशिया देन अल्टीमेटली ड्रेन इनटू एपिकल ग्रुप। तो इस तरीके से अपन को जो है पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो दी झौरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो ताकि और लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो। और मेनली अगर तुम्हें अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो तुम बस एक काम करो कि इस वीडियो की लिंक जो है अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। तो उससे क्या होगा, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और उससे मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं फर्स्ट ईयर का और कंटेंट बनाऊं और अच्छे से बनाऊं। मैं हर बार ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करता हूं किस तरीके से तुम और अच्छे से समझा पाऊं। तो इसके लिए यार तुम इतना सा कर दो, इसको लाइक और शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।